चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक इन्फो सेप्टेक एनालिसिस में। आज हम स्टडी करेंगे अगले हफ्ते मींस 12 फरवरी से लेकर के 17 फरवरी तक का निफ्टी का ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। 16 फरवरी तक का, 12 फरवरी से 12 फरवरी से 16 फरवरी तक के बीच में किस तरीके से मार्केट रहने वाला है। उससे पहले मेरा डिस्क्लेमर होगा कि इस वीडियो में जो भी स्टडी और एनालिसिस करते हैं एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज से, ना कि ट्रेडिंग पर्पज से। जो भी ट्रेड करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेकर के ही ट्रेड करें। इस हफ्ते में मार्केट में बहुत अच्छा खासा वोलेटिलिटी रहा, अब कैसा रहने वाला है बाजार। उससे पहले ये मैंने जो चार्ट ओपन किया हुआ है S&P 500 का, जो मैंने बोला था पहले आप लोगों को कि S&P 500 का मैंने डाओ थ्योरी के बेस, एलियट वेव थ्योरी के बेस पे मैंने इसका टारगेट डिसाइड किया था 2300-2200 के आसपास बॉटम बनने का, और वो भी अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर जब भी बॉटम बन जाए। लेकिन अभी जो करेक्शन हुआ है, अच्छा खासा हेल्दी करेक्शन हुआ है, और ऊपरी लेवल से लगभग 2900 के लेवल से ये 2500 का बॉटम बनाया इसने 8-9 दिनों में, और ये एक तरीके से डबल बॉटम इसने रिट्रेस किया है। और जहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है 200 डेज मूविंग एवरेज से पैनिक बॉटम बना करके रिकवरी की है ये, तो 200 डेज मूविंग एवरेज। लेकिन हमारा इंडियन मार्केट क्या 200 मूविंग एवरेज को टच किया है? बिल्कुल भी नहीं। तो लेकिन S&P 500 ने 200 डेज मूविंग एवरेज को टच कर चुका है, तो पहली बार टच किया है तो यहां से रिकवरी आएगी। अब एक्चुअली हम ग्लोबल को फॉलो कर रहे हैं, तो S&P 500 एक के टर्म्स पे ही पूरा ग्लोबल मार्केट और हमारा इंडियन मार्केट भी परफॉर्म करता है। तो लेकिन इसने अपना बॉटम, शॉर्ट टर्म बॉटम, अगले 2-3 महीने का बॉटम इसने बना लिया, तो हो सकता है इसमें तेजी आए। US मार्केट में हम तेजी देखेंगे, और इसका जो रेजिस्टेंस जो निकल के आया है 2750-2740 के लेवल पे, वहां तक ये मूव कर सकता है यहां से, और इसी हो सकता है ये पहले रिकवर कर जाए और फिर से ऊपर से जब हम गिरेंगे तो हम फॉल करेंगे। तो एक्चुअली यहां से अगर ये ऊपर चला गया उसके बाद जब हम फॉल करेंगे, हो सकता है हम 2700 का हाई से फिर से हम गिरावट करेंगे 50-60 पॉइंट, तो हमारे यहाँ मार्केट में बहुत बड़ी सेलिंग आ सकती है। तो इसके लेवल से मतलब नहीं है कि यहाँ इसने बॉटम बना लिया तो हमने भी बॉटम बना लिया है, लेकिन एक्चुअली दूसरे नजरिए से देखा जाए तो इसने 200 डेज मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, और हमारा जो निफ्टी है उसने अभी 200 डेज मूविंग एवरेज को टच तक भी नहीं किया है। पिछले एक साल के रैली में एक बार भी 200 डेज मूविंग एवरेज को टच नहीं किया है। और मेरा मूविंग एवरेज पे जो मेरा बहुत पुराना एक वीडियो भी एनालिसिस भी किया हुआ है मैंने, उसको आप देख सकते हैं कि कभी भी फर्स्ट टाइम रिस्पेक्टिव लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस को सपोर्ट लेके बाउंस करता है मार्केट, तो उसी तौर पे इसने भी S&P 500 ने बाउंस किया है, और 100 डेज से हम बार बार बाउंस कर रहे हैं। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है, ये 50 डीमा 10,600 पे कंप्लीट रेजिस्टेंस है, 10,600 के ऊपर बाजार में नहीं जाने वाला है। और अगर क्लोजिंग बेसिस पे बंद होता है 2-3 दिन तभी हम तेजी में आएंगे, वरना एज फॉर US मार्केट या ग्लोबल मार्केट 200 डेज मूविंग एवरेज को बहुत सारे मार्केट ने टच कर लिया लेकिन हमने टच नहीं किया। तो 200 डेज मूविंग एवरेज जो हमारा टारगेट निकल के आया है 10,049.50 का, वहां तक एक बार जरूर फॉल बॉटम, पैनिक बॉटम बनाएंगे, फिर से रिकवरी आएगी और उसके नीचे भी हम जा सकते हैं। कभी भी आपने देखा होगा कि कोई भी रिस्पेक्टिव मूविंग एवरेज होता है वहां से 100-125 पॉइंट और नीचे इंट्राडे में पैनिक बॉटम बनता है और फिर से रिकवरी आती है। तो अगले 6 महीने के लिए या 3 महीने के लिए एक पैनिक बॉटम 9900 तक जाने के चांसेज है,
और कुछ ऐसा बैड न्यूज आया तो 9800 भी जा सकता है, लेकिन अभी हमें ऊपरी लेवल पे 600 के स्टॉप लॉस के बेसिस पे, वैसे तो मेरा स्टॉप लॉस 500 पे शिफ्ट कर गया है, 10,500 पे शिफ्ट कर गया है, उस स्टॉप लॉस के बेसिस पे इसको सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही लेना है। और निफ्टी तो मेरी जो अभी व्यू है, निफ्टी से ज़्यादा रिटर्न स्टॉक में मिलने वाला है, जो आपने देखा भी है इस हफ्ते में जिन्होंने बॉटम पे लिया है उनको 5 से 10% 15% का रिटर्न मिल रहा है। तो इसलिए अगर 15% का रिटर्न लेने के लिए निफ्टी में 1,000 से 1,500 पॉइंट की गिरावट आएगी, तब जाकर के 15% का रिटर्न मिलेगा। 1% 2% के रिटर्न के लिए इतना हैवी रिस्क लेने से अच्छा है कि जो ब्लू चिप कंपनियां हैं जिनमें बॉटम ढूंढ करके उसमें, एक्चुअली मैं इंडेक्स पे आजकल मैं लोगों से, पहले भी मेरा प्रेफरेंस रहा है हमेशा स्टॉक पे, स्टॉक का प्रेफरेंस में आप अगर सही से एनालिसिस करेंगे, स्टॉक में लोगों को लगता है ज़्यादा लॉस होने की चांसेस होती है, लेकिन परफेक्ट एनालिसिस होगी तो जितना ज़्यादा लॉस होने की चांसेस होती है उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होने की भी चांसेस होती है। तो अगर आपकी एनालिसिस परफेक्ट है तो स्टॉक में क्यों ना काम करें। फिर भी कोई बात नहीं, इस हफ्ते का निफ्टी का क्या लेवल निकल करके आया है उसकी हम एनालिसिस कर लेते हैं पूरे हफ्ते के लिए। तो एक्चुअली मेरा S&P 500 का चार्ट दिखाने का मकसद ये है कि वहां पे बॉटम बन गया है, S&P 500 पे बॉटम बन गया है, 2-3 दिन तेजी देखी जा सकती है। हमारे यहाँ भी हो सकता है कि ये जो रेंज खोला है 370 का, 370 बॉटम साइड में और ऊपरी साइड में 550 का, 10,550 के इसी के बीच में बाजार 2-3 दिन और कंसोलिडेट करे, और 10,370 के नीचे अगर हम, या 50 के नीचे, 10,350 के नीचे जिस दिन भी बंद करेंगे उस दिन, या जिस दिन भी क्लोजिंग आएगा उस दिन से एक गिरावट देखेंगे जिसको ये 10,000 तक लेके जा सकता है। तो अगर जिनका लॉन्ग पोजीशन है, जिनको लगता है कि बाजार में तेजी आने की उम्मीद है, उनका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 10,350 का होगा, 340-350 का क्लोजिंग बेसिस पे, ना कि इंट्राडे बेसिस पे। और जिन लोगों ने सेल किया हुआ है उन लोगों का स्टॉप लॉस 10,600 का होगा, 10,500 का वैसे है लेकिन ये अभी इस रेंज में रहने की चांसेज है। 10,600 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए। तो ये रेंज है ऊपर का और नीचे का, बाकी हमारे सॉफ्टवेयर में जो रेंज निकल करके आया है उसकी हम स्टडी कर लेते हैं। और पिछले हफ्ते की जो क्लोजिंग थी, पिछले फ्राइडे की क्लोजिंग जो थी 10,760 का, उसके बेसिस पे इस हफ्ते का जो टारगेट था उसकी भी एनालिसिस हम कर लेते हैं। 10,760 जो इस हफ्ते में जो मैक्सिमम बॉटम और टॉप का जो टारगेट था बाई साइड का और डाउन साइड का, इस सॉफ्टवेयर को वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। एफ एंड ओ का लेवल मैं एग्जैक्ट वही डाल दे रहा हूँ, ऊपर नीचे होगा 10-15 पॉइंट अप एंड डाउन। देखिए इस हफ्ते में वीकली वीकली पिछले हफ्ते का डेटा है 10,760, तो वीकली टारगेट जो था निफ्टी का 10,366, जो कल इसने बॉटम बनाया और उसके नीचे भी गया था, ये उसके नीचे भी फिसला था ट्यूसडे के सेशन में, 10,276 का बनाया था, जो मैंने आप लोगों को बोला था ट्यूसडे के गिरावट के पहले ही मॉर्निंग के सेशन में जो वीडियो बनाया था कि 10,370 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और उसी सपोर्ट के कारण नीचे से बहुत बड़ी बाइंग आई और इसको दोबारा से 10,000, और जो बाइंग लेवल था वीकली बाई लेवल था 10,820 पे, तो 10,820 आया ही नहीं, और सेल इनिशिएट करना था 10,703 के नीचे, और जो इसने पुल बैक जो रैली लिया 10,667 तक, आप देखेंगे 10,000, ये जो पुल बैक रैली का जो हाई है 10,637 का, 637 का, तो ये जो टारगेट 2 है नीचे बॉटम इसने ट्यूसडे को बनाया और बाउंस बैक किया तो सेकंड टारगेट को अचीव किया ऊपरी साइड में। लेकिन ये जो बाई लेवल था वहां तक हम, जब तक हम वीकली बाई और सेल लेवल जब तक जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में हमें पोजीशन बना के रखना चाहिए।
अब इस हफ्ते का क्या पोजीशन निकल करके आया है क्लोजिंग बेसिस पे? सेल इनिशिएट करना है 10,400 का, बाय इनिशिएट करना है 10,509 का। अब 10,509 मींस 10,000 ये जो सेकंड टारगेट वन जो है 10,545 ये मैक्सिमम बाय यहां पे अगर क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन करता है वीकली के केस में क्लोजिंग पे अगर आप काम करते हैं तो बहुत अच्छा चांसेज होगा कि मार्केट उसी डायरेक्शन में जाए और 10,500 के ऊपर बंद हो जाए। जो मैंने बोला भी था कि मेरा जो बाई लेवल निकल के आया है 10,500 के ऊपर बाई बनता है बैंक निफ्टी में और कंफर्मेशन मिल जाएगा 10,545 का। इसके ऊपर अगर बंद होता है तो और अच्छा होगा, जो इसको 700 तक लेके जा सकता है और एक्सटेंडेड टारगेट जो होगा 10,840 का। तो इस हफ्ते का मैक्सिमम बाई साइड का टारगेट, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बाई करना है या सेल करना है, जो लेवल आए उसके बेसिस पे ट्रेड करें। और सेल इनिशिएट करना है 10,400 का, टारगेट होगा 10,200 और 10,072 का। तो ये दोनों ही टारगेट इस हफ्ते में S&P 500 के हिसाब से रिकवरी आने के चांसेज है और 500 और 550 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो ये एक तरीके से पुल बैक रैली होगी जिसमें आप लोगों को प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है अगर बाई साइड में जिन्होंने लिया है। वैसे क्लोजिंग अगर इंट्राडे में लेवल को टच करता है 700 का तो और दोबारा से फॉल भी होने के चांसेस है। एक्चुअली चार्ट पे जो मुझे दिख रहा है रेजिस्टेंस क्लोजिंग बेसिस पे 10,560 का, तो 10,560 के ऊपर जाना नहीं चाहिए। अगर जाता है तो पूरी तरीके से रिट्रेसमेंट होगा जिसका टारगेट 10,850 का होगा। तो लेवल इम्पोर्टेंट है, एनालिसिस के साथ साथ लेवल को भी वॉच करना होता है, ये हमें कंफर्मेशन देता है। अगर डाउट है चार्ट के बेसिस पर डाउट है तो आप बाई साइड में अवॉइड करें, लेकिन अगर चार्ट हमें हेल्प कर रहा है सेल साइड में तो सेल किया जा सकता है 10,072 का। वैसे मैं निफ्टी से अच्छा स्टॉक पे व्यू कर रहा हूँ, ये बस इस एनालिसिस को इसलिए फॉलो किया जाता है क्योंकि इसके बेसिस पे आप स्टॉक में भी बाई और सेल पोजीशन बना सकते हैं। अगर इंडेक्स बाई साइड में जा रहा है तो आपको स्टॉक ढूंढना है कौन से स्टॉक में पुलबैक ज़्यादा चांसेज है आने का और ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट का। तो इसलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी की लेवल एनालिसिस की जाती है। सेकेंड थिंग, बहुत सारे लोग इसके बेसिस पे ट्रेड भी करते हैं ऑप्शन में, तो ऑप्शन में ट्रेड जो कर रहे हैं उनको ये ध्यान देना है वीकली लेवल के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करें। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का जो बाई लेवल निकल के आया है 25,625 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो बाई कर सकते हैं, टारगेट होगा 25,700, 25,800, 25,900, 26,000 तक जा सकता है मैक्सिमम। लेकिन अगर गिरावट आती है तो 25,300 के नीचे फिसलता है। एक्चुअली बैंक निफ्टी में ही क्रैक आने के चांसेस है जो निफ्टी को नीचे लेके आ सकता है, तो 25,300 के नीचे सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, टारगेट है 24,750। मैं इस लेवल के बेसिस पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बाई करना है या सेल करना है, आपको अपनी चार्ट के बेसिस पे हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है उसके बेसिस उसके वो हमारा ट्रेंड होगा और ये लेवल आपको हेल्प करेगा कि किस डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहिए। तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल एनालिसिस फॉर दिस वीक। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जोर से शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक करें। और सेकेंड हाफ में मैं कोशिश करूंगा इवनिंग के सेशन में कुछ जो स्टॉक पे जिन लोगों का क्यूरी है उस पर भी मैं वीडियो बनाऊं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जोर से शेयर एंड सब्सक्राइब लाइक करें और जो भी क्यूरी हैं आप कॉमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।